किसी का सलमान खान या विवेक ओबरॉय ना बने। मामा से तो कोई दिक्कत दिक्कत थी नहीं। शांति की माँ का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज काफी टाइम बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ, क्यों उसकी वजह, ये कच्चा बहुत बेकार लग रहा है पीछे। तो आज मैं काफी टाइम बाद व्लॉग कर रहा हूँ, क्यों रीजन है उसका कि मेरे पास बहुत दिनों से, बहुत क्या मतलब, तकरीबन 5-6 महीनों से मेरे को इतने टेक्स्ट आ रहे हैं कि भाई क्या हुआ है आपके और हर्ष भाई के बीच, आप साथ क्यों नहीं दिखते, आप उनकी वीडियोस में क्यों नहीं आ रहे, ऐसा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो ठीक है गाइज, मैं आज बहुत सारी चीज़ों का जवाब यहाँ पे दूंगा, क्योंकि मेरे को बहुत नेगेटिव टेक्स्ट भी आए हैं कि आपकी गलती है, या पता नहीं, लोगों को कुछ पता भी नहीं है, लोग मेरे से कह रहे हैं कि तेरे में एटीट्यूड आ गया, तूने इसलिए छोड़ दिया, अब तू अपनी चीज़ें कर रहा है इसलिए तूने छोड़ दिया। बट मैं चाहता हूं कि आप लोगों को रीजन पता लगे कि कौन गलत है कौन सही है, मैं आज वो बताऊंगा। हाँ, मैं अभी नहीं हूं, मैंने वो टीम छोड़ दी है, मैं अब टीम से बाहर हूं, बट ठीक है, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा आज के इस व्लॉग में। तो बने रहे, मैं यहाँ बैठे बैठे सारी चीज़ें नहीं बोलने वाला, पूरा टूर करते हुए, भ्रमण करते हुए आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। और मेरे साथ आज जुड़ेगा शिवम भी, क्योंकि हम दोनों ने ये टीम छोड़ी थी, और सारे रीज़न हम बताएंगे आज। एक और चीज़, और बहुत दिनों से मैं अभी हर्ष भाई को कॉल कर रहा हूँ, हर्ष भाई फ़ोन नहीं उठा रहे, तो आज हम जाएंगे उनके घर, क्योंकि भाई आज मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले क्या बात है क्या नहीं है, क्या चीज़ें, मतलब अब जिसको गलत समझना है वो आपके हाथों में, हम सारी बातें आपके सामने रखेंगे, आप बताना कि कौन गलत है कौन सही है। बस 5-10 मिनट में निकलेंगे, शिवम आ रहा है, शिवम को मैंने कॉल किया, वो आ रहा है 5 मिनट में। तो अगर आज के व्लॉग में बकचोदी नहीं होती है तो प्लीज़, मतलब मेरा थोड़ा मूड नहीं है बकचोदी करने का, तो आज सच्चाई और असलियत की बातें होंगी, वो तुम देखो और मजे लो उस चीज़ के, तुम्हारे लिए तो एंटरटेनमेंट है, तुम मजे लो। चलो भाई, शिवम भी आ गया है, 2 मिनट में आ रहा है नीचे। और देखो, बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि व्यूज़ के लिए बना रहा है, अपने फ़ायदे के लिए बना रहा है, बट जेन्युइनली बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर व्यूज़ के लिए होता और इन सब चीज़ों के लिए होता तो मैं पहले ही बना लेता, बट यहाँ बात है कि आपको पता चलना चाहिए क्या बात है और क्या नहीं है, बस साफ सीधी बात ये है, और वो मैं आज बताऊंगा मिल के, वो भी हर्ष भाई से। हेलो, देखो कौन आया, मेरे पार्टनर शिवम जी, तू ही एक सच्चा है भाई। अरे भाई क्या हो गया, क्या हो गया, मूड क्या खराब कर रहा है, मन नहीं है तेरा जाने का? मन क्या भाई, ऐसी बातें बातें सुनने को मिलती है फालतू में, तो गुस्सा आता है। और क्या तो क्या हो गया, तो आज पता लग जाएगा ना कौन सही कौन गलत, कौन कितना पानी में। देखो भाई, देख ऐसा नहीं शिवम, देख गलती अपनी भी है, तो है। बट हमने भी मतलब बट आर्ग्यू क्या करे, इंसान करेगा, तू मेरे को ऑप्शन बताना, उसके आगे कोई ऑप्शन है, उन चीजों के आगे ऑप्शन नहीं है भाई। वो छोटी सी बात पे आर्ग्यू हो गई थी उस चक्कर में, वो भी बताऊंगा क्या था क्या बात थी, वो भी चीजें मैं बताऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहुंचते हैं आज, कर ही लेते हैं भाई जो भी फैसला है। थोड़ा रास्ते में रुक के ट्रिमिंग श्रिमिंग कर ली है, थोड़ा इंसान का बच्चा बन जाऊं, इतने दिनों बाद मिल रहा हूं, थोड़ा इंसान लगूं, लग रहा हूं ना। ये थोड़ा बीच में लंदन पड़ता है, तो लंदन घूमने आ गए थे, इस माया नगरी में रहते हैं हर्षू जी, बड़े लोग इधर ही रहते हैं भाई, हम छोटे लोग, बड़े लोग ही छोटे लोगों को दबा देते, लेकिन आज छोटे लोग अपना बोल, अब क्या कह रहा था, कह रहा था यार कि बड़े लोग छोटे लोगों को दबा देते, बड़ी बड़ी जगहों में रहते हैं यहाँ पे, और हम देख वहीं दबे रह गए भाई, कोई नहीं भाई, अपन भी बड़े बने, लेकिन एटीट्यूड नहीं आया भाई हमें कभी, नहीं एटीट्यूड तो उनमें भी नहीं है, नहीं भाई एटीट्यूड एक आर्ग्यूमेंट पे भाई, एटीट्यूड इतना भाई क्या हो गया भाई, मान लेते हैं हमारी बात, क्या था, कोई नहीं, आज सबके सामने रख देंगे भाई बात, क्या दिक्कत है, क्या बीटी है, और क्या भाई, तुम डिसाइड करोगे आज कि कौन गलत है कौन सही, यू आर द जज गाइस, आपको आज जज करना है कि कौन सही है कौन गलत, आपकी अदालत। पहुंच गए हैं गाइस हम लोग, डीएलएफ लग रहा है, अंदर जाके मैं भड़क ना जाऊं, बस तू क्यों भड़क गया भाई, क्या हो गया भाई, सुख शांति से बात करके जो है गुड नोट पे एंड करो, बस बात खत्म है, कोई किसी के मन में गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, कोई किसी को मन में गाली ना दे,
या कभी कोई किसी का सलमान खान या विवेक ओबरॉय ना बने, बस क्या सीन है। शांति की माँ का अभी हर्ष भाई है नहीं, बस उनका एक पालतू कुत्ता जो हमेशा रहता है ऑफिस में। दिखा दे कौन है, ये देखो। हेलो बोल दो रियो, हेलो। ये वो पालतू कुत्ता। तो भाई लोग ये रहे अपने मामा जी, मामा चिकारा। मामा से तो कोई दिक्कत थी नहीं भाई, मामा तो अपना तो बढ़िया चलता ही है, हमेशा से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मामा तुम्हारा क्या कहना है आप बताओ। ये कहना है कि बेफालतू में लड़ रहे हो, ये सारा शुरू का कराया है, इसने काम बन गया। आपने भी वो बात सुनी थी तो आप बताओ। छोटी बात नहीं भाई, मुद्दा ही नहीं है तो क्या हमारी बात गलत है भाई? हम मतलब हम अपनी तरफ से कुछ बोल रहे तो वो गलत है? नहीं, देख तू अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है, पर जो बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ है ना, वो दिक्कत हो गई। कोई नहीं, भर देते हैं आज मिसकम्युनिकेशन सही से। चार घंटे हो गए, इसने तो हार बार मान ली है। ये तो कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ, तो 4 बजे आए थे ना। हाँ अभी भाई 10 बज रहे हैं, 11 बजे इसकी बर्थडे की पार्टी भी शुरू हो गई। हमें मनी नहीं कर रहा, सब बाहर पार्टी कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं बात कर ले पहले। तो भाई अनमोल जी आप क्या कहोगे, कुछ कहोगे? हमने अगर फोन ही नहीं उठा रहे मेरे तो नहीं है, मतलब हमारी जो भी बात हुई थी अब उनको पता लग गया आए हुए ना, फोन नहीं उठा रहे भाई, इसलिए तो नहीं आ रहे। कल आके तेरे से बोलेंगे इनको क्यों बुलाया, इतनी सी बात पे क्यों इतना वो। भाई वैसे हमारी आर्गुमेंट जो हुई थी उसमें गलती थी, हमने एक पॉइंट भी तो रखा था ना, पॉइंट है सारे सच पॉइंट रखते हैं। भाई हमने वो चीज देखी हुई है भाई, इसलिए तो हमने पागल हो रही है। कोई नहीं भाई, तो फिर हम बात कर लेंगे। गौरव भाई को ही पता है भाई ये चीज, तो गौरव भाई तो है ही अपने साथ जुड़े हुए। क्या भाई हम गलत होते तो हमारे साथ नहीं होता, तू भी हमसे बात करता, तू आज हमें इनवाइट करता बर्थडे पे। अभी 11:30 बज गए हैं, अभी आए नहीं, बहाना मार रहे हैं मुझे तो। सही भाई नेक्स्ट क्या सोच रहा है, क्या करना है? अपने को भी काम है, हमने अपना फर्ज निभा दिया यहाँ आके, अब बाकी उनसे आता है, अगला बंदा नहीं आता, देखते हैं। हम तो सामने से आ रहे हैं भाई बात करने। हाँ भाई चलो, तो भाई बहुत टाइम लगाया, आज भाई आ गए हैं, लेकिन थैंक यू भाई टाइम देने के लिए। ये मुझे बताना था मतलब हमें लोगों को, तो उसके लिए बात कर लेते भाई। इतना कोई आर्ग्यूमेंट वाला सीन नहीं था, हमने इतना ही बोल दिया था कि शिजू का डेकी सुगी के साथ ज्यादा अच्छी लगती है, तो इसमें क्या गलत बोला उसमें? नोबिता के साथ अच्छी लगती है, वो ज्यादा अच्छी लगती है। क्या गलत बोला? क्या गलत बोला? मैं हाथ उठा दूंगा। नोबिता की सिर्फ शिजू का है, डेकी सुगी की नहीं है। बहुत छोटी की हम डेकी सुगी बोल देखो दोस्तों, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है भाई, ये सब चलता रहता है, ऐसी है और कुछ नहीं है। हर्ष भाई नहीं मान रहे थे कि नोबिता की उससे इसलिए है, ये कह रहे हैं डेडी जो के साथ 69 किया, मैं कह रहा हूं भाई लोग आपसे सच बता रहे हैं, डोरेमोन के साथ किया, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, सब ओके है, सब बढ़िया है। कुछ हम अपने काम में बिजी थे, ये अपने काम में बिजी थे, नाउ वी आर फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप और क्या, यही है भाई। अबे तेरी मां की भाई, बुड्ढा मेरा भी इतना बहुत। हां ऑनेस्टली दोस्तों, हमारा वापस बात करने का जो सबसे श्रेय है ईशान अली जी, हम उनको तहे दिल से, क्योंकि वो भज जाएगा, हम भज जाएंगे, वो भज जाएगा, नहीं ये भज जाएगी, हाँ भज जाएंगे। चलो भाई व्लॉग बन गया, पार्टी करेंगे, खुशी का माहौल है शिवम, खुशी का माहौल है शिवम, शिवम खुशी का माहौल है, हैप्पी बर्थडे भाई। भाई देख मैं तो पीता नहीं, मैं पी लेता, वरना तू तो पी ले भाई, क्या हो गया, कोई नहीं पी ले, अरे कुछ नहीं होता भाई, वेरी गुड। अबे कोल्ड ड्रिंक ही तो है, आ भाभी। ये देखो गाइस, हम लोग वाइचिन में आ रखे हैं, वाइचिन में बैठे हैं हम लोग हिमाचल में। ओए तू कौन है? अरे काट देना, मैं नहीं आना चाहिए वीडियो में। गौरव भाई
कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ, मेरे को दोबारा एज एन एक्टर रख लिया उन्होंने। कैसा लग रहा है वापस रीयूनियन करके? ये कुत्ता, इनको पिला दिया 3 रेड बुल, पागल हो रखा है। तुमने अपना वाला पिला दिया क्या इसको? गलत एक्टिव हो रखा है भाई। फ्लैश 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 3 का ट्रेलर देख लो गाइस, फ्लैश का ट्रेलर देख लो। अरे यार, अरे यार, अब मेरे से क्या व्यूज आएंगे? मेरे तो 17,000 फॉलोअर है भाई, मेरे से क्या व्यूज? तूने ये सब क्या कर रखा है कूड़ा यहाँ पे? ये ना भाई वो प्रॉप था। अच्छा, शिवम शिवम का सामान है, शिवम का सामान है ये सब, प्रॉप था ये। मामा आपका क्या कहना है? हाँ भाई देखो, थम्स अप पी रहे तो उसमें पैंट की। मामा दो दो हाथ हो जाए। हाँ हाँ, मामा मैं भी जिम करता हूँ। चला जा बोल रही है, चला जा। हर्ष भाई, बाय भाई। सेंसर्ड। बाय मेघना, आई लव यू। देख दोबारा मिल रहा हूँ ब्लॉग के चक्कर में। बाय भाई लोग, बाय 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 बोल दो, बाय बाय बाय। सब पढ़ा है ये, सब पढ़ा है, सब रिकॉर्ड हो गया। क्या चाहिए आपको? क्या मैं फिर से बजा दूँ? किसी गाने में आग लगानी है भाई, सीख ले मेरे को। ठीक है, ठंड बढ़ रही है गुड़गांव में। हर सैटरडे क्यों होता है? डेर मिलियन कह रहा है, डेर मिलियन, डेर कह रहा है, डेर मिलियन। मार दूंगा इसको जो। आई लव यू मामा, खत्म करो किस्सा। मामा 10 को मिलते हैं, डन है। फिर सैटरडे सालो, फिर बस क्या सैटरडे को मिल रहे हैं। बहुत गंदी लड़ाई हुई, मजा आ गया एक दूसरे को पीट के आज। देखो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं था, सब यही था, कोई गिला शिकवा नहीं था। और क्या, सर्वर फोड़ा किसी का? और क्या मारा? फुल मारा साले, तू पिटा है। कौन पिटा? बिहारी नहीं पिटते, बिहारी पिटते हैं। बिहारी पिटा रहेगा, पिटाई से बहुत कुछ। हां जी, आ गया स्वाद, ले ली कंट्रोवर्सी, मजे आ गए। लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं हुई, चूतिया बनाया तुम्हारा। तो भाई देखो, सब अपने अपने काम धंधे में बिजी है, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होती, सब थोड़ा गैप हो जाता है, कोई अपने काम में बिजी है, कोई कुछ और चीजों में बिजी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ऐसी कंट्रोवर्शियल ब्लॉग में लाता रहूंगा। पूरब ठकराल आपके, सॉरी पूरब जहां आपके साथ जुड़ा हुआ है, और अगले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सिंगल होते हुए भी हुआ मेरा डिवोर्स। सी यू गाइस, बाय।